ये है। और सबसे पहली बात, हमने जो पीड़ित व्यक्ति था उसके सारे परिवारों के सदस्यों के साथ हमने बात की है, उनके बयान लिए हैं, उनके बेटे, उनकी माताजी, उनकी पत्नी, उनके भाई और सभी ने अपने जो भी अनुभव है वो बताए, किस पद्धति से घटनाएं हुई वो बताया। उसके बाद सरकारी अधिकारियों से भी हम मिले, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस विषय में जो उनका आकलन था वो हमें दिया, कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी उसमें थे तो उनका भी बयान हमने लिया है। तो अभी हम इस पर पूरे इस प्रकरण की जो भी हमारी आकलन की जो भी स्थिति है उसके आधार पर एक रिपोर्ट लिख के पार्टी आलाकमान को सौंप। तो पहले ही नज़र में आपको क्या, कौन दोषी लगा और क्या घटना कैसे हुई? प्राइमाफेसी क्या लग रहा है सर? प्राइमाफेसी तो एक बात सही है कि सरकार के द्वारा एक लापरवाही बरती गई है। कौन सा डिपार्टमेंट? विशेष रूप में उसको जल्द से जल्द जो वहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस देने की जरूरत थी उसमें भी लापरवाही है। जो फरियाद दाखिल हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं। बहुत हल्के से लिया गया है, प्रकरण की गंभीरता को समझा है, ऐसा सामान्यतः नहीं लग रहा। तो ये लापरवाही न रहे उस दृष्टि से भी हम कुछ उपायों के बारे में कहेंगे। हमारे साथ दो पूर्व बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है तो उनका भी मत इसमें बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि ये 7 तारीख में घटना होती है। 7 से पहले भी 27 को दिवाली के दिन घटना होती है और उसको जो है 27 से लेकर के उसमें जो है लोगों को कुछ मालूम नहीं, लोकल प्रशासन को, लोकल पुलिस वालों को, थाने को, किसी को, चौकी को कुछ मालूम नहीं। 7 तारीख को इतनी बड़ी घटना होती है, बहुत बेरहमी से, बहुत ही बर्बरता से उसकी पिटाई होती है। उसके बाद जो है 3 दिन तक, जब तक वो वहाँ पर जाता है CHC में नहीं जाता है तब तक किसी को कुछ मालूम नहीं है। और CHC के वहाँ होने के बाद भी, डॉक्टर की रिपोर्ट के बावजूद भी, जो पुलिस प्रशासन को, लोकल थाने को जिस हिसाब से जो है केस रजिस्टर करना चाहिए था, जिन सेक्शंस में करना चाहिए था, उन लोगों को इतनी गंभीर घटना को भी बहुत सामान्य घटना करके उन लोगों ने उसको किया है। तो ये बड़ी, उसके बाद जिस प्रकार से उसका इलाज होना चाहिए वहाँ भी, तो पुलिस प्रशासन के उसमें भी, दूसरा जो जिला प्रशासन उसके ऊपर भी, मेडिकल प्रशासन में भी, हमको लगता है सब तरह से जिस गंभीरता के साथ इस केस को लेना चाहिए था उस गंभीरता के साथ नहीं लिया गया है। और इसलिए हम उसमें जो है अभी हम अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, जाँच आगे कर रहे हैं, सभी लोगों से बात कर रहे हैं। और जैसे डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी ने कहा है, हम परिवार वालों से हम लोगों ने बातें किया है, आसपास के लोगों से बातें किया है, हमारे पुलिस प्रशासन के जो नीचे के लोग हैं उन तक भी हमने बात किया है, दूसरे लोगों से बात किया है। उसमें हमारी जो जांच में जो आएगा उसके आधार पर हम अपनी रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट तो जल्दी हो जाएगी, हमको जल्दी डाल देंगे। देखिए, हम लोग जो हैं, देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने हमको यहाँ पर भेजा है, श्री अमित शाह जी, हम अपनी रिपोर्ट जो है उनको सबमिट करेंगे। इसमें आप प्राइमरी फेसली किसको दोषी समझते हैं? आप लोग ये देखो, हम लोग बता दें, रिपोर्ट में सब बातें आएंगी। लेकिन सर, ये रिपोर्ट कितने दिनों में? एक मिनट, हाँ मतलब पर हम लोग आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक समिति बनाई है जिसके अध्यक्ष माननीय विनय सहस्रबुद्धे जी हैं, हम दो सदस्य हैं, डॉक्टर सतपाल सिंह और मैं। हम लोग यहाँ पर आकर के इस घटना से जुड़े हुए सभी लोगों का बयान लिया है और इसके सभी पहलुओं को गहराई से जाकर के देखा है कि इस प्रकार की क्यों घटना घटी,
ये घटना रुक सकती थी कि नहीं रुक सकती थी, पुलिस का सूचना तंत्र कितना मजबूत पाया गया, तो इन सारे बिंदुओं को हम लोगों ने देखा। इसके बाद जो इंजरी हुई है वो इंजरी कैसे हुई, उस इंजरी का इलाज समय पर हुआ कि नहीं हुआ, ये भी एस्पेक्ट को हम लोगों ने देखा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन बातों का जिक्र होना चाहिए, FIR में जिन बातों का जिक्र होना चाहिए, जो धाराएं लगने चाहिए, जो सेक्शंस लगने चाहिए, वो करेक्ट लगे हैं कि नहीं लगे हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है और हम लोग अपनी रिपोर्ट तैयार करके सोमवार मंगलवार अध्यक्ष जी के माध्यम से सोमवार मंगलवार को हम लोग लोकल प्रशासन को उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कह दिया गया है। यहाँ पर सारे लोकल प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद हैं, IG साहब भी हैं, SDM साहब भी हैं, SHO भी हैं, DSP हैं, सारे के सारे लोग। कुछ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई सस्पेंशन या कुछ भी, जो दोषी हैं अधिकारी जो हमारी रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट में पदाधिकारियों के बारे में जिक्र किया जाएगा कि किनके स्तर से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी नहीं हुई है, या कौन कार्रवाई करने में ढीले पाए गए। हमने इनके साथ भी हमारी जो आकलन हमारा जो बना है वो भी हमने बांटा है, शेयर किया। जो चंगी वाला गांव है, इस गांव में जो जगमल की निर्मम पिटाई से हत्या हुई है, उसको लेकर के राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग यहां पर आया हुआ है और जो परिवार के सदस्यों से बातचीत हुई है उसमें पूरी तरह से ये सिद्ध हुआ है कि उसकी पिटाई हुई है और पिटाई के साथ साथ उसके पैरों से जो पिलास होता है उससे मांस नोचा गया है और उसके कारण जो हॉस्पिटल में तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए थी, इलाज होना चाहिए था, वो इलाज में भी लापरवाही हुई है और ये घटना के पहले भी झगड़ा हुआ है उसमें जो पुलिस को भूमिका निभानी चाहिए थी वो पुलिस ने भी पूरी तरह उस समय भूमिका नहीं निर्वहन कर सके, जिसके कारण ये बड़ी घटना घटित हुई है। जो दोषी लोग हैं, पुलिस कप्तान ने कहा है कि हमने चारों लोगों को गिरफ्तार किया है और जो कंपनसेशन है वो कंपनसेशन 4 लाख रुपए, 4.25 लाख रुपए मिल चुका है, 2 लाख और दिया गया है। SC ST एक्ट में 8.5 लाख रुपए का प्रावधान है, चार्जशीट लगेगी, सोमवार मंगल को चार्जशीट लगने के बाद पूरा कंपनसेशन का पैसा जो 8.5 लाख रुपए वो पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा टोटल 20 लाख रुपए का आश्वासन सोमवार मंगल को पूरा दे दिया जाएगा, 2 लाख रुपए मेडिकल का जो उनका खर्च हुआ है फैमिली का, वो कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम 2 लाख रुपए का भुगतान करेंगे। इसके अलावा उसकी वाइफ को सर्विस, तो सर्विस के लिए आश्वासन दिया गया है कि उसको सर्विस मिलेगी, बच्चों को निःशुल्क ग्रेजुएशन तक पढ़ाई मिलेगी
और इसके अलावा उसको रेजिडेंस और माता जी को पेंशन, ये इस तरह का जो एस सी एस टी एक्ट में प्रावधान है उसके मुताबिक ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि उसको निर्वहन करे। इसके अलावा फैमिली के मेंबर्स ने कहा है कि मुझे धमकी मिल रही है और मुझे धमकाया जा रहा है, आज भी मेरे साथ कोई और घटना ना घट जाए, तो इसलिए मैंने पुलिस कप्तान को बोला है कि इस पर गंभीरता से एक्शन लें और जो आज भी इस तरह के लोग हैं तो उनके खिलाफ एक्शन करें। यहाँ का जो पुलिस इंस्पेक्टर या जो आईओ हैं वो क्यों ये घटना घटित हुई उसकी भी रिपोर्ट पूरी कमीशन को प्रस्तुत करें। 15 दिन में हम पंजाब प्रदेश के जो भी गृह सचिव हैं, डीजीपी हैं और हेल्थ से जो डिपार्टमेंट से भूल हुई है, जो गलती हुई है हॉस्पिटल में, जो उसको ठीक से इलाज नहीं दिया गया, तो उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, होम और सोशल, ये तीनों सेक्रेटरी और डीजीपी, इनकी 15 दिन में हम कमीशन दिल्ली में मीटिंग बुलाएगा और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज उन्होंने इच्छा भी व्यक्त की है कि हम यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को भी खतरा है, उनकी जो वाइफ है उसने कहा है, तो उसके रिश्तेदार ने एक ने कहा है कि हम अपने यहाँ ले जाएंगे। उन लोगों ने सहमति दी है और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था, मकान आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ये घटना जो घटित हुई है मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दर्दनाक और अमानवीय घटना घटित हुई है, जिसमें किसी व्यक्ति के पिलास से, पैरों से मांस खींचा गया हो और पानी मांगने पर उसको एक तरह से कहा जाए पेशाब पिलाई गई हो, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आईजी और कप्तान और सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, ये लोग इस तरह की गंभीर घटना को, कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो इसका भी पूरी तरह से व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कमीशन इस पर गंभीर है और कमीशन जो दोषी होंगे, जो हम 15 दिन में जांच मांगेंगे, उसके आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर पीड़ित पुलिस कप्तान से मैंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ पुलिस लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी फैमिली के लोगों ने कहा है कि मुझे धमकी मिल रही है तो मैं अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। तो अब उन्होंने कहा है कि हम कहीं, जो उनका रिश्तेदार है उन्होंने कहा है कि हम ले जाएंगे, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा है कि हम व्यवस्था करेंगे। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਈ ਹੋਈ ਤੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂਗਰੋਂ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 4 ਜਣੇ ਨੇ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਲੋਚਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਰਾੜਾ ਅਤੇ ਘੋਪਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੇ ਘਰੇ ਜੀ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਾਰਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਹਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਧੌਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਵੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਸਾ ਜੀ ਜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ।